दिस इज वैभव त्रिपाठी स्टैंडिंग ओवर हेयर ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल आजाद क्लासेस. वी आर कंटिन्यूइंग स्टिल द चैप्टर नंबर 3 डिमांड फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द टॉपिक विच वी आर टेकिंग टूडे इज लॉ ऑफ डिमांड. जो भैया ज्यादा ही महत्वपूर्ण है. सो ऑफकोर्स डू नॉट फॉरगेट यू आर वॉचिंग आजाद क्लासेस. तो समझना चालू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, यानी मांग के नियम को. लॉ ऑफ डिमांड मीन्स देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. इसका मतलब मेरे भाई है कि कंज्यूमर किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से अपने कंजम्पशन को कम करता है, और वाइसा वर्सा सिचुएशन यानी किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस को कम होने पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करता है. अब यार एग्जांपल तुम अपने ही ऊपर ले लो. तुम हो, अगर तुम खाने के शौकीन आदमी हो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कम दाम पे, तो यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कॉमोडिटी. एंड अगर तुमसे यार प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलर लेने लगे, तो बेसिकली यार बहुत ईजी या बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि तुम अपने कंजम्पशन को कम करोगे. हाँ, एक गोल्डन लाइन मैंने यहां जरूर जोड़ी है, दैट कीपिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. आपके सामने 7 तरीके के फैक्टर्स यहां दिखाई दे रहे होंगे. द नंबर 1 फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नंबर 2 इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, बेचारे कंज्यूमर की आय. तीसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर. देन यू गेट टू नो हेयर सीजन एंड वेदर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टेंट होते हैं. तो भैया तुम्हें अजम्पशन में लिखने हैं बाकी जितने रिमेनिंग पॉइंट्स बचे, यानी जितने अदर फैक्टर्स हैं, दैट इज योर अजम्पशन. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, सीजन, वेदर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. समझे भाई, वो सारे के सारे अजम्पशंस हैं कि ये सारे के सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे. बदलेगा कौन? ओनली नंबर 1 प्राइस. और प्राइस के बदलने से क्वांटिटी डिमांड पे अफेक्ट आएगा. और क्या अफेक्ट आएगा भाई, कि अगर प्राइस कॉमोडिटी की इंक्रीज करेगी, द क्वांटिटी डिमांड विल बी लो बाय द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखते हुए. चलिए, तो अगर मैं आपसे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कहूँ, तो शेड्यूल दिया हुआ है. वी हैव अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एंड एज आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स का मतलब अपोजिट, इनवर्स का मतलब विपरीत, इनवर्स का मतलब उल्टा. यानी अगर किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी. सो लेट अस क्लियर इट थ्रू अ शेड्यूल एंड डायग्राम. द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वॉज 100 एंड द कंज्यूमर वॉज हैविंग 200 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. नाउ एज द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 90, द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 400. नाउ अगेन एज द प्राइस गोज फ्रॉम 90 टू 80, इट डिक्रीजेस. कंजम्पशन अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम 400 टू 650. तो जैसे जैसे प्राइस यहाँ डिक्रीज कर रहा है, आपका जो क्वांटिटी डिमांड है इट इज इंक्रीजिंग. सो दो इसे हम कह सकते हैं कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जा रही है. ऑलराइट, इफ यू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, हियर वी गो विद द क्वांटिटी डिमांड एंड दिस इज द प्राइस. एज द प्राइस इंक्रीजेस, सॉरी, द प्राइस डिक्रीजेस, द कॉमोडिटी और द कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी बाय द कंज्यूमर गोज इंक्रीजिंग. सो एज द प्राइस वॉज 100, ही वॉज हैविंग द कंजम्पशन ऑफ 200 यूनिट्स. एज द प्राइस डिक्रीजेस, द क्वांटिटी हैज बीन इंक्रीज्ड. दिस गोज इन द सेम प्रोसेस एंड दिस इज वॉट यू गेट, दैट इज डी डी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डी डी कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. तो ये तो था लॉ ऑफ डिमांड. डेफिनेशन पढ़ा, एजम्पशन पढ़ा, स्केड्यूल एंड ग्राफ पढ़ा. इससे ज्यादा बेसिकली आपको लिखना भी नहीं होता है इसमें. लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बहुत कम लोग टच करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि आखिर ये लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रीजन क्या है, हाउ टू डेरिवेट इट. तो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा हाथ है. वो कहते हैं ना कि इसमें उसका सीधा हाथ था, वही हाथ मान लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सीधा पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी पे दैट कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द MUX इज जस्ट इक्वल टू PX. याद आ रही है बातें मेरी?
यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर डाउट हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, और इसमें दो कंडीशंस होते थे, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज कंपैरेटिवली लेस देन कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम द एक्स कमोडिटी, एंड द वाइस वर्सा सिचुएशन वाज इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज कंसिडरेबली मोर देन द यूटिलिटी व्हिच अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द यूनिट ऑफ एक्स इज लेस, एंड द थर्ड सिचुएशन वाज और द थर्ड सिनेरियो वाज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी जस्ट मीट्स द यूटिलिटी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच अ कंज्यूमर रिसीव्स फ्रॉम द एक्स, एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद आया कुछ? तो चलिए सिनेरियो प्रूव करते हैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर डायग्राम की बात करें, सो वी नो दैट ऑन द एक्स एक्सिस वी प्लॉट द क्वांटिटी डिमांड एंड ऑन द वाई एक्सिस वी प्लॉट द प्राइस एज वेल एज द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द एक्स। नाउ हियर वी गो, सपोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रुपी 10 एंड कंज्यूमर इज हैविंग द 3 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी इन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। नाउ एज द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 टू 15 रुपी, नाउ एज द प्राइस इंक्रीजेस he is going to consume less commodity, because in consumer equilibrium we have studied that if the price of the commodity, it means if the px value of px is considerably more, then the utility which a consumer get is less. So as he is getting the less utility, he is going to decline the quantity demand of the commodity. Now the vice versa situation is, suppose the commodity price is rupee 5. So as the price decreases, he is having the tendency of consuming more commodity, that is 5. Now it also tells that if the price has been decreased, the marginal utility from the X is also increased. But in between those two conditions, there is a third condition which I am writing here, guys, that if the price of the commodity is just equal to the marginal utility received from that commodity, this is the scenario where a consumer is in equilibrium. यानी ये वो सिनेरियो है जहां पे MUX और प्राइस बराबर होंगे, अगर हम मान ले तो, है कि नहीं? कुछ इसी तरह के आपने कंडीशंस पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, एंड MUX कर्व वाज लाइक दिस, ऑलराइट, एंड MU में भी जीरो आल्सो, MU में भी नेगेटिव आल्सो, एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसी डायग्राम को आपके लॉ ऑफ डिमांड से लिंक कराऊं तो नतीजा क्या निकलेगा कि 10 रुपए के प्राइस पे एक कंज्यूमर 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है। Now as the price increases from P0 to P1, that is from 10 to 15, then with the increase in price, the consumer is having the less unit of X, that is 2. And now as the P, now there is a condition that from P0, the price has been decreased from P2, decreased to P2. So as the price has been decreased, there is a tendency of consuming more of consumer. So this can also be proved with the law of demand, because there exists an inverse relationship between the price and the quantity demanded. जैसे एक price किसी commodity की increase कर रही थी, a consumer is having less unit of consumption of X or unit, and when the price decreases, he is having more unit of consumption. So there exists a downward sloping curve, demand curve. तो ये इसका relation कहीं ना कहीं consumer equilibrium से सीधा है. So if I conclude, so what we have studied, law of demand, मांग का नियम, ये कहता है कि किसी भी commodity की price अगर decrease करती है, so there is a tendency that consumer will purchase more, and vice versa situation, भूलना मत यार, keeping the other factors constant. दूसरा ये scenario कहा, assumptions लिखने हैं, तो जितने भी आपके factors बचे, price वाला छोड़ के, ये सारे के सारे आपके books के factors, इसके assumptions हुए, and last one was derivation of law of demand. तो law of demand derivative ही हुआ है consumer equilibrium से. So if you know like the video, so you can hit the like button, you may comment, you may share the video, and keep subscribing Azad Classes. We are going to meet very soon. Thank you very much.